ये पी जा रही हूँ कॉफी, और बाहर का देखो मौसम चेक करो कितनी काली घट आ रही है और बारिश पड़ रही है। ये देखो गाइस, ओहो काली काली घटा और बरस रही है वर्षा, वर्षा आ गई वर्षा। मौसम हो रहा बहुत ज्यादा सुहाना, तेज की बारिश है कहीं ना कहीं, और दूसरी जगह पड़ रही होगी जरूर तेज। अच्छा ऐसा हो रहा था अभी बारिश का भी, चौराहे पर पड़ रही है, बीच रास्ते में नहीं पड़ रही, इस तरह से हो रहा। पीते हैं भाई हम अपनी कॉफी। देखो अभी दिखा रहा था घटा घटा हो रही है, फिर अब पड़ गई बारिश। थोड़ी देर बैठते हैं यहीं पर अंदर ही और मौसम का मजा लेते हैं। अभी तक बारिश हो रही है फ्रेंड्स, 15 मिनट बैठी हूँ तब चलते हैं नीचे, बारिश तो रुकेगी नहीं, मौसम बारिश वाला हो रहा है, बारिश तो अभी रुकेगी नहीं। चलते हैं नीचे, ये देखो ओहो मोबाइल भीग जाएगा, बारिश पड़ रही है यहाँ तक। चलो ये भी बंद करते हैं और चलते हैं नीचे। इधर बनने की चाय अफनान के लिए और इधर मीठी ब्रेड तैयार हो रही है, आज बना था हमारे चिकन, और ये सब खत्म हो चुका है, साथ में बने थे चावल, ये खाली सिर्फ अफनान के लिए बने थे, बाकी मैंने डाइट का खाया। मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक, ऐसे मौसम में तो ये मन करता पकौड़िया हो और कॉफी हो या चाय, चाय तो मैं पीती नहीं, कॉफी हो और घर की बनी हुई पकौड़िया। देखो गाइस ऐसे में जो है ना लाइट भी नहीं आ रही और इन्वर्टर भी हो गया है डाउन, क्योंकि मौसम हो रहा बहुत ज़्यादा ख़राब, लाइट ही नहीं आ रही, और पैनल हैं तो भाई वो भी सूरत से चलते हैं, तो इसी वजह से अब बैठेंगे अंधेरे में। आज हो गया बढ़िया काम, अरे वो रात में कैसे लेटा जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी और मुश्किल लग रहा है, मुझे सारा साथ नहीं दिख रहा लाइट, कैसे होगा फिर। और ये चाय हो रही है रेडी, इधर ब्रेड तैयार हो रही है अपनाने के लिए,
और हम चलते हैं बाहर। देखो अंधेरा ही अंधेरा, आज हो गया बढ़िया काम। अभी थोड़ी देर में मगरिब की अजानें हो जाएंगी और घटा बादल हो रहे हैं, लाइट के भी आसान नहीं लग रहे। यहाँ तो वैसे ही बस जरा सी चार बूंदे पड़ती हैं, चार बूंदे पड़ती हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे लाइट चली जाती है, ये बड़ी दिक्कत है। और आज सूरज भी नहीं निकल रहा, घटा बादल हो रहे हैं, तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है, बैटरी वगैरह चार्ज नहीं है, तो अब रात की हो जाएगी परेशानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात में लगते हैं मच्छर, अलाउड भी जलानी पड़ती है, अब कैसे जलेगी देखते हैं। आ जाए लाइट तो अच्छा है, थोड़ी देर के लिए आ जाए। बिल्कुल घुट अंधेरा हो चुका है, लाइट नहीं आ रही, तो हम मोमबत्ती जलाई। और ये देखो बाहर का, ये बाहर लाइट जो है ताए मियाँ के यहाँ पर चल रही है, उनका इन्वर्टर अभी थोड़ा चार्ज होगा क्योंकि उनके न्यू बैटरी हैं अभी, और हमारा हो गया हेड डाउन। अंधेरा तो रख नहीं सकते, तो यहाँ पर मोमबत्ती जलाई है, और वही रात में बस मच्छरों की परेशानी है। इतना परेशान तो कभी भी नहीं हुए जितना इस साल लाइट की वजह से परेशानी सब झेल रहे हैं, और पूरी पब्लिक परेशान है। देखो लाइट आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती तो बस पूरी रात ऐसी गुजरने वाली है, और सुबह है मेरा पेपर, कैसे तैयारी होगी। The next day. रात बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरी और मच्छरों को अपना खून पिलाते हुए गुजरी, बस जागते हुए ही गुजरी है, नींद नहीं आई। और ये पैमाना मुझे लेना नहीं है, खाली बॉल पेन लेने हैं, और यहाँ पर एंट्री ले ली थी, एक ले ली थी अपनी वोटर आईडी, ये सब एक जगह रखती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरी रात हो गई परेशान होते हुए, और मच्छरों ने अलग काटा, मोर्टीन भी जला रखी थी, उसके बाद भी वो भी काम नहीं कर रही थी, और लाइट बस थोड़ा सा चमक कर फिर चली गई। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस साल से तो लाइट की, ऐसा लग रहा है जैसे पहले के दिन वापस आ गए, काफ़ी टाइम पहले के, जब हाथों से पंखा चलते थे तो वही टाइम लग रहा था। इन्वर्टर अलग डाउन था, मिक्सी भी नहीं चल रही थी, और जैसे कि आपने देखा कि सिल पर ही सब काम करना पड़ रहा है, तो लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है गाइस यहाँ की, इस साल से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और सभी लोग परेशान हैं। वही है, रात में भी इंसान सुकून से सो नहीं पाता, और जागते हुए ही रात गुजर रही है। और फ्रेंड्स मैं अभी ये जाने वाली हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, आज सीटेट का मैंने फॉर्म भर दिया था, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैं देकर आऊँगी कि चलो ट्रायल ही हो जाएगा और नॉलेज ही हो जाएगी देने से, तो इसलिए मैं जा रही हूँ देने। और आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, वैसे तो ये वीडियो बाद में ही जाएगा, जब मैं एग्ज़ाम दे दूँगी उसके बाद ही जाएगा। और दो पेपर हैं, फर्स्ट मीटिंग में शायद जूनियर का है, और सेकंड मीटिंग में प्राइमरी का होगा। तो चलते हैं, निकलते हैं बस थोड़ी देर में, अभी बारिश भी हल्की हल्की पड़ रही है, रुक जाए तो अच्छा है, नहीं रुकी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और थोड़े से मैं यहाँ पर डाइट के जो है कबाब भी बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ब्रेक होगा बीच में, तो मैं वो ले लूँगी, क्योंकि बाहर का अगर कुछ खाऊँगी तो वहाँ पर जो है इतना मतलब प्योर नहीं मिलता है, फिर वही बेसन वगैरह या कॉर्नफ्लोर ज़रूर मिक्स हुआ हुआ मिलेगा कबाब में, तो इसलिए घर से ही बनवा कर ले जा रही हूँ। और वहाँ पर टाइम मिलेगा तो वहाँ पर मैं फिर लंच भी कर लूँगी, क्योंकि बीच में ब्रेक तो मिलता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बाद में आपसे आकर मिलती हूँ, और निकलती हूँ जल्दी। अपना नान भी सो रहा है, उसको उठाती हूँ, वो छोड़ कर आएगा बाइक से, तो चलिए चलते। नान बाइक निकाल रहा और निकलते हैं। अब
अब भी हो रही है हल्की हल्की बारिश। कबाब हो गए हैं, इसको बंद करते हैं। फ्रेंड्स मैं भी निकल रही हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। और यहाँ पर आ गया था मेरा कॉलेज, बुरखा उतार के रख दिया था पॉलोथीन में, क्योंकि फिर परेशान करते हैं बुरखा ओढ़े हुए होते हैं तो सर्च के लिए। तो अब यहाँ पर अंदर जा रही हूँ मैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। ये है मेरा कॉलेज जहाँ पर मेरा सेंटर गया है, और बस मैं पहुँच गई हूँ। और बारिश पड़ रही है, यहाँ पर भी भीगते हुए सब जा रहे हैं। अभी अंदर एंट्री नहीं कर रहे थे, सब गेट पर ही खड़े हैं। सीट मैंने देख ली थी कौन से रूम में है मेरी। एक पेपर हो गया है फ्रेंड्स, और दूसरा पेपर देने के लिए मैं जा रही हूँ। लंच भी मैंने कर लिया था, बारिश अभी तक रुक नहीं रही। दोनों पेपर हो गए हैं और अब मैं निकल गई हूँ घर के लिए। और यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा चेक इन हुई, एक जगह नहीं चार चार पांच पांच जगह चेक इन थी, और सब जो है स्कैनिंग करके हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा इस बार जो है सख्ती थी एग्ज़ाम में, सख्ती तो हर बार ही होती है, लेकिन इस बार जो है सर्च बहुत ज़्यादा हुई है। इस टाइम जो है मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि दो पेपर थे और सुबह से ही ये टाइम हो चुका है। शाम के जो है 5:30 का टाइम हो रहा है। तो अब घर के लिए निकल चुके हैं और घर पहुँच कर ही कॉफ़ी पीते हैं। और आपसे जो भी बातचीत होगी या नहीं होगी वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मुश्किल है कि बातचीत कुछ भी हो पाए। तो व्लॉग का भी एंड देखो कैसे होता है, वो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है और बातचीत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है इस टाइम। तो बस हम निकल गए थे अब घर के लिए। और फ्रेंड्स जो भी न्यू है मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। घर पर जाकर तो बातचीत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दिमाग जो है दर्द से फटा जा रहा है। तो बस व्लॉग का एंड भी यहीं करते हैं और पहुँचते हैं घर पर, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दुआ में आप लोग याद रखिएगा।